मुंह में घुल जाने वाला और दानेदार मूंग दाल हलवे की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को अगर आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आप अपना फेवरेट स्वीट शॉप या फिर हलवाई से दोबारा मूंग दाल हलवा कभी नहीं खरीदेंगे। आप इसे हमेशा घर पर ही बनाएंगे। मूंग दाल हलवा बनाने के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट या फिर लिमिटेड इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, पर इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मैं आज अपना एक्सपीरियंस मूंग दाल हलवा बनाने की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी आज की बनाई हुई रेसिपी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए मूंग दाल हलवा बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मूंग दाल को 3 घंटे के लिए भिगो के रखा है। मूंग दाल अभी पूरी तरह से भीग चुके हैं। आप 3 से 6 घंटे तक मूंग दाल को जरूर भिगोएं। इसके बाद हम इसका पानी छान लेंगे और फिर हमें मूंग दाल को पीसना है। मैंने इस तरह का एक मेजरिंग कप यूज़ किया है, पर आप कोई भी कटोरी या फिर मेजरिंग कप को यूज़ करें। पर ध्यान रखें कि आप जो कप को मूंग दाल नापने के लिए यूज़ करोगे उसी से ही सारा इंग्रेडिएंट नाप के हलवा बनाओगे, तभी आपका हलवा परफेक्ट बनेगा। अभी मूंग दाल का पानी हम छान लेंगे और इसे पीस लेंगे। मूंग दाल को पीसते वक्त हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी मूंग दाल को पीसने में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि मूंग दाल अच्छे तरह से भीगे हुए हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि मूंग दाल को पीसने में दिक्कत आ रही है तो आप 1 चम्मच पानी इसमें मिला सकते हैं। मूंग दाल का टेक्सचर कुछ इस तरह से होना चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला, ना ही ज़्यादा गाढ़ा, ना ही बहुत ही फाइन, ना ही ज़्यादा दानेदार, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है मूंग दाल की। तो इसी कंसिस्टेंसी से अगर आप मूंग दाल को पीसेंगे तो आपका हलवा परफेक्ट बनेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बर्तन को गैस स्टोव पे चढ़ा के रखा है। पहले बर्तन में हम चाशनी तैयार करेंगे और फिर दूसरे बर्तन में हम हलवा बनाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन में 1 कप चीनी डाल दिया है। जिस कप से मैंने मूंग दाल नापा था उसी मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी और 1 कप पानी डाल दिया है। गैस स्टोव को मैंने अभी ऑन नहीं किया है। चीनी और पानी डालने के बाद गैस स्टोव को ऑन करें और इसे चलाते हुए पकाएं। हमें यहाँ तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी है, सिर्फ चीनी और मूंग दाल को वापस में जब तक घुल मिल ना जाए तब तक पकाना है। इसके बाद इसमें डाल दें थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर और फिर इसमें मिला दें थोड़ा सा केसर। अगर आपके पास केसर नहीं है तो इसे स्किप करें, पर केसर डालने से मूंग दाल हलवे का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस चीनी को पूरी तरह से पानी में घुल जाने दें, फिर गैस स्टोव को बंद करेंगे और इसे हम साइड में रख लेंगे। चाशनी को हमने अलग रख लिया है। अभी जो दूसरा कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रखा था उसमें हम डाल देंगे घी। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी घी लिया है, 1 कप मूंग दाल के लिए 1 कटोरी घी, पर हम पूरा 1 कटोरी घी इसमें नहीं डालेंगे। थोड़ा सा घी हम बचा के रखेंगे, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाए उसमें हम डाल देंगे रवा या सूजी, जो हम उपमा बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही रवे को मैंने अभी घी में डाल दिया है। मूंग दाल के हलवे में जो दानेदार टेक्सचर आता है और टेस्ट आता है वो सूजी की वजह से आता है। तो सूजी को अच्छी तरह से घी में भूने। जब सूजी अच्छे से इसे सुनहरा भुन जाए इसके बाद जो पीसा हुआ मूंग दाल है हमें इसमें अभी डालना है। पर यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आधा ही मूंग दाल को अभी डाल रही हूँ। और मूंग दाल को डालने के बाद कभी भी इसे आप ऐसे पलट के मत चलाना। आप जैसे वीडियो में देख रहे हो ना, मूंग दाल को ऐसे काटते हुए हमें इसे मिक्स करना है। अगर आप एक साथ इसे चला लोगे तो ये एक बड़ा सा गोला जैसा बन जाएगा, फिर बाद में उसको तोड़ते हुए भूनने में आपको बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए इस बात का ध्यान आप जरूर रखें कि जैसे ही आप मूंग दाल डालो तो ऐसे दाल को काटते हुए बस इसे कढ़ाई में ऐसे स्प्रेड करें। जब ये आधा हल्का सा ऐसे भुन जाए फिर जो बाकी का पिसा हुआ मूंग दाल है वो इसमें डाल दें। इस खास बात का आप ध्यान जरूर रखें तो इससे ही आपका मूंग दाल हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी मूंग दाल को बाद में भूनने में। तो अच्छी तरह से इसे काटते हुए ऐसे पूरे कढ़ाई में फैला दें। जब मूंग दाल ऐसे हल्का सा भुन जाए फिर आप चाहे तो इसे पलट सकते हैं। इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें कि मूंग दाल को डालने के बाद तुरंत आपको पलटना नहीं है। दाल को बस ऐसे काटते हुए पूरे कढ़ाई में फैलाते हुए थोड़ी देर के लिए भूनना है। जब वो हल्का भुन जाए तभी उसे पलटना है। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका मूंग दाल का हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। बस अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दाल को भूनो भूनो और भूनो। 10 मिनट बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, 20 मिनट भूनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा।
और 30 मिनट भुनने के बाद फाइनली हमारा मूंग दाल अच्छे से भुन के तैयार है। स्टेज में हम क्या करेंगे, जो चाशनी बना के रखा था वो इसमें मिला देंगे। चाशनी डालने के बाद दोबारा चाशनी और मूंग दाल को अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसे ऐसे चलाते रहें। आप देखोगे कि थोड़ी ही देर में मूंग दाल जो है अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। बस हमारा हलवा अभी बनने ही वाला है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 1 कप मावा डाल देंगे, मावा या खोया। मैंने यहाँ पे अमूल का खोया यूज किया है। इसके बाद हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, जब तक खोया अच्छे से मेल्ट होके मूंग दाल हलवे में मिक्स ना हो जाए तब तक ही हमें इसे पकाना है। इसे पलटते हुए अच्छे से मिक्स कर ले। बस अभी हलवा तैयार ही होने वाला है, तो आखिर में हम इसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए नट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स। आप जो चाहें, जो भी आपका पसंदीदा ड्राई फ्रूट और नट हो आप इसमें डाल दें। पहले से इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हलवे में बहुत सारा घी है, हलवा अभी गर्म है, ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही भुन जाएंगे। फिर भी आपको ज़्यादा क्रंची टेस्ट अगर पसंद हो ड्राई फ्रूट का, तो आप पहले से इसे घी में भून के फ्राई करके डाल सकते हैं। तो अभी हमारा हलवा तैयार है। बस जो बचा हुआ घी था अभी हम ग्लेज के लिए इसमें डाल देंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस स्टोव का फ्लेम मैंने अभी पूरी तरह से लो पे रखा है। अच्छे से एक दो बार मिक्स कर लें। बस हमारा बढ़िया दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला मूंग दाल हलवा तैयार है। पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप अभी भी बाकी है। गैस स्टोव को स्टेज पे आप बंद कर दें और फिर ढक्कन लगा के हमें इसे थोड़ी देर के लिए रखना है। मैंने गैस स्टोव की फ्लेम को अभी ऑफ कर लिया है। इसे ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए अगर आप इसे छोड़ देंगे, उसके बाद अगर सर्व करेंगे ना, तो मूंग दाल हलवे का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी ना भूलें और फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका मूंग दाल हलवा कैसा बना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।